कहा कि ये ट्रैफिक नहीं चलेगा 11:30 तक, ये कश्मीर वैली के लिए है ऑल फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर। नहीं, ये बेसिकली पूरा नेशनल हाईवे जो है ना, नेशनल हाईवे पे इन्होंने कुछ टाइमिंग्स दी है, ठीक है। ये यहाँ पे नगरोटा से निकलेगा 7:30 से 11 बजे तक, जितना भी सिविलियन नॉन सिविलियन ट्रैफिक होगा उधर से निकलेगा वो जी। वो आएगा बानिहाल, बानिहाल से वो पुरानी जवाहर टनल के थ्रू निकलेगा वापस। अच्छा, पुरानी जवाहर टनल, ठीक आया, वो चलता रहे सुबह तक, ठीक है, सुबह से 11 बजे तक, 11 बजे वो बंद होगा वहाँ पे। अच्छा, 11 बजे के बाद नहीं चलने देंगे उसको जी, 11 बजे के बाद नहीं चलने देंगे। फिर ये यहाँ पे आपको 11:30 तक नहीं चलने देंगे काजीगुंड से, काजीगुंड ऑनवर्ड सिटी की तरफ श्रीनगर। नहीं नहीं, काजीगुंड टुवर्ड जम्मू, सिटी की तरफ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, सिटी की तरफ कोई प्रॉब्लम नहीं, काजीगुंड टू जम्मू 11:30 के बाद कोई गाड़ी नहीं चलेगी, 11:30 तक नहीं चलेगी, 11:30 वो जवाहर टनल के थ्रू जाएगी टुवर्ड जम्मू। ओके, पुरानी जवाहर टनल जो है ना उधर जी, जी ऊपर वाली, हाँ हाँ, और 2 बजे तक। ओके, 2 बजे तक फिर नवयुग टनल खुलेगी। अच्छा, 2 बजे खुलेगी फिर नवयुग टनल, हाँ, फिर नॉर्मल चलेगा, फिर नॉर्मल चलेगा। तो व्हाट अबाउट सिटी, जो अब हम बताएं कि काजीगुंड से जो श्रीनगर तरफ अगर सुबह उसमें कोई टाइमिंग चेंज नहीं है, उसमें चलता रहता है, उसमें चलता रहेगा 24/7। तो बट आए दिन तो ये तो हम देखते रहते हैं कि अभी इन्होंने गाड़ियां जो आ रही हैं उनको लंगर की गाड़ियां, तो तब भी ये रोक रहे थे हर जगह पे, आज 2-2, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा हाईवे पे रोक रहे हैं। तो उसके बारे में कुछ है, हाईवे ट्रैफिक का कुछ सिस्टम है कुछ उसमें कि नहीं? नहीं, लंगर गाड़ियों को रोक रहे हैं, मुझे नहीं लगता उनको रोका, अगर रोका कहीं पे तो बिकॉज ऑफ हालात, जो सड़क की हालात है उसकी वजह से रुका होगा, वरना कोई उनका रोकने का कोई प्लान नहीं है, ऐसा कुछ मसला नहीं है, लंगर गाड़ियों के लिए प्रायोरिटी है, वो पहुंचे अब आराम से जी। ऐसा मैं कहूँ कि मैंने खुद देखा कि लंगर की गाड़ियां उनकी आ रही थी, वो काजीगुंड वॉलनट टनल से निकले टुवर्ड सिटी की तरफ, जब हाँ। तक जब तक वो श्रीनगर ना पहुंचे तब तक हाईवे इन्होंने पूरा बंद रखा, ये काजीगुंड टू श्रीनगर खाली लंगर की गाड़ी, लंगर की गाड़ियां, मैं कह रहा हूँ लास्ट पे 1-2 दिन पहले लंगर की गाड़ियां चल रही थी, मतलब अपोजिट ट्रैफिक रोकता रहा, अपोजिट साइड रोकता रहा, वो तो अब जिस साइड से वो आ रहे हैं कानवाई आपके लिए वो तो है ही है, मगर जो अपोजिट साइड है वो भी रोक रहे थे। हम इनके साथ बात किए हैं, पीछे भी बात की और भी बात करेंगे इनके साथ, तो इस बारे में पता नहीं क्यों रोक रहे हैं, ये परेशान किया हमें भी, इन्होंने बहुत परेशान किया। ऑफ कोर्स, ये मैं बताऊं कि अगर आप टाइमिंग लोगे सैटरडे को, इन्होंने 2 बजे से 5 बजे तक पीक पे सारी गाड़ियों को रोका है, 2 से 5 तक, तब तक लंगर की गाड़ियां आ रही थी, इन्हें 2 से 5 तक सारी गाड़ियों को रोक दिया अपोजिट साइड में। तो लंगर की गाड़ियों को क्या परेशानी, अब मालूम नहीं क्या परेशानी है, अब एक साइड से कानवाई डाउन आ रही है, डाउन जा रही है, नीचे से टूवर्ड जम्मू, तो वो छलांग मार के नहीं ना दूसरी साइड में जाएगी गाड़ी, समझ नहीं आ रहा है मुझे, तंग बहुत तंग किया इन्होंने लोगों को, बहुत ही तंग। और उसमें हमारे पास, उसमें सर हमारे पास ऐसा है कि जब धूप में गाड़ियां खड़ी रही तो कई लेडीज और बच्चे बेहोश भी हो गए, लोगों को बहुत गुस्सा है, लोगों को बहुत गुस्सा है, ऑब्वियसली है ही गुस्सा, आप देखे ना बेफजूल गाड़ियां इस साइड से आ रही है, दूसरी साइड से भी गाड़ियां रोक दी, अब इनकी लंगर की गाड़ियां कानवाई, क्या था लंगर की गाड़ियों में क्या मसला था, वही नहीं समझ आ रहा है, वही नहीं समझ आ रहा हमें कि उनमें क्या मसला है, उनकी एक दो गाड़ी नीचे CRPF तक मैसेज नहीं पूरी तरह होती है, वो बात कर लीजिए जी, ठीक है जी, मैं करूंगा बात, प्लीज इसको देख लीजिए, ठीक है सर, ओके ब्रदर, ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।